नेशनल हेराल्ड केस पर राजनीतिक घमासान उफान पर है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया और आज मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे तो सियासी बवाल फिर बढ़ने लगा। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के सवाल पर आक्रामकता दिखाई। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जिस अंदाज में जवाब दिया उसका जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। मिस्टर गांधी आज ईडी ऑफिशियल्स ने सील किया है सर, वुड यू वांट टू रेस्पॉन्ड? सर मिस्टर गांधी स्क्रीन पे राहुल गांधी कर्नाटक से वापस आए हैं, सामने आप देख सकते हैं अभी कर्नाटक से वापस लौटे हैं और ईडी ने आज केसी वेणुगोपाल तस्वीरों में मिस्टर गांधी ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर सील किया है। कर्नाटक के दौरे से बुधवार रात करीब 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनके सामने सवालों की झड़ी थी। राहुल खामोशी से सवाल सुनते रहे और रवाना हो गए, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन से देश की सियासत गर्म है। कांग्रेस कह रही है याचना नहीं अब रण होगा। एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है, महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। दो हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत। गाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 आवर्स ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, आफ्टर डेज ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, मोर देन 200 क्वेश्चंस पुट टुगेदर, एंड आई डेमोन्स्ट्रेटेड बिफोर यू फ्रॉम दिस पोडियम दैट इफ द मोस्ट इंजीनियस एंड इमेजिनेटिव माइंड वॉज टू आस्क क्वेश्चन, देयर कैनॉट बी मोर देन 10 टू 12 क्वेश्चंस।